अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डर्मागोस का फेशियल करके दिखाऊंगी और ये फेशियल मैं अपने सैलून में भी यूज़ करती रही हूँ। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। कुछ चीज़ें मेरे पास नई हैं, जो चीज़ें हैं उनसे मैं आपको फेशियल करके दिखाऊंगी। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस डर्माकोस का जो है फेशियल फेस वॉश नहीं है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं ये क्लिनज़र यूज़ करूँगी, कोकम्बर क्लिनज़र, कूलिंग कोकम्बर क्लिनज़र, देख सकते हैं। उसके बाद जो है मैं गावा का ग्लो स्क्रब यूज करूंगी। उसके बाद मैं मास्क यूज करूंगी और टोनर यूज करूंगी। ये डर्मागोस का टोनर है। क्योंकि मेरे पास मास्क नहीं है तो इसीलिए मैं कोई भी मास्क लगा लूंगी। आप लोग भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये कॉटन यूज कर रही हूँ। आप एक बाउल में पानी ले लें और ये मैं फेस वॉश कर रही हूँ, क्लीन अप कर रही हूँ, तो ताकि जो है मेरी स्किन पर से ऑयल ख़त्म हो जाए, स्मूथ हो जाए और थोड़ा जो है फ्रेश हो जाए, डस्ट निकल जाए। बालों के लिए आप हेयर बैंड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। आप आइस के नीचे पीछे की तरफ करेंगी, ऐसे एयर्स की एयर्स तक लेकर आएंगी, नोज पर ऐसे राउंड में, फोरहेड पर। बहुत ज़्यादा पानी आपने यूज़ नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करना है और साथ साथ अपनी नेक पर भी करते रहें। डर्माकोस की पॉलिश भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलिश करके दिखाऊंगी। और मैंने मास्क जो है ऑर्डर किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको डर्माकोस का लगा कर दिखाऊंगी। बहुत अच्छा है, वो स्किन को टाइट करता है। और जो लड़कियां 25 या 30 से अबव हैं वो आराम से यूज़ कर सकती हैं, उनके लिए बेस्ट है। ये मैंने अपना फेस क्लीन अप कर लिया है। इसके बाद मैं क्लिनज़र लगा रही हूँ, कोकम्बर क्लिनज़र है डर्माकोस का। ये ऐसा है ग्रीन, ऐसा, तो ये बहुत ठंडा ठंडा कर देगा स्किन को। इसको अगर आप लोग जिनकी ऑयली स्किन है वो अगर डेली यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। इससे जो है कलर भी फेयर होगा और स्किन पर ग्लो आएगी। आप इसको जो है पीछे भी कर सकते हैं, अपने आप घर पर आराम से कर सकती हैं। और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप आराम से खरीद सकती हैं। और पार्लर में आप लोग जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव लगता है, सॉरी, तो आप अपना खरीद लें और महीने में एक बार कर लें या महीने में दो बार भी कर सकती हैं, हर 15 दिन के बाद। आपने इसको जो है 8 मिनट भी आप लगा सकते हैं। मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ और अगर डेली में ये यूज़ करती हूँ तो बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। टोनर और ये क्लिनज़र डेली। ऊपर ले जाकर आपने 1-2 सेकंड के लिए रुक जाना है। अब मैं जो है गावा का स्क्रब यूज करूंगी। इसके ऊपर जो है ये चम्मच वगैरह भी यूज़ किया होता है,
स्पून। बहुत ज्यादा आपने रगड़ना नहीं है। अब मुझे मास्क लगाना है क्योंकि मेरे पास थर्माकोस का मास्क नहीं है। अभी मैंने ऑर्डर किया है तो वो जैसे ही आ जाएगा मैं आपको लगाकर दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं मिनरल मास्क लगा रही हूँ सॉफ्ट टच का। अब आपने इसको 10 से 15 मिनट तक लगाना है। वॉश करने के बाद मैं डर्माकोस का टोनर लगाकर छोड़ दूंगी एक दो घंटे के लिए, फिर मैं वॉश कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको रिमूव करूँगी। मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, आप देखिए रिजल्ट देख सकते हैं। अब मैं डर्माकोस का टोनर लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस फेशियल का रिजल्ट। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। मंथ में एक बार करती हूँ, कभी 15 दिन में भी कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डर्माकोस की का मास्क भी लगा कर दिखाऊँगी और आप उसको देखिएगा, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, वो स्किन को टाइट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगली और आने वाली वीडियो में मैं आपको डर्माकोस की पॉलिश भी करके दिखाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। चले अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।